धूप बहुत है भाई, धूप बहुत है। इस धूप ने तो बेचैन कर दिया। वाह, शायद क्रूज टूर होगा। मैं नहीं ले रहा कि मैं बोर हो गया। मैंने लिया है सबमरीन टूर। 3:20 का टाइम है और जो इसका खर्चा आया वो 66,000 वॉन्ग, मतलब 4,500 रुपये के आसपास में है। बाकी इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल ये पुल देख लो भाई। दोनों साइड में समंदर, बीच में जेजू आइलैंड और आपका ये दोस्त। यार हवा इतनी तेज़ है ना, क्या ही बात करें यार। बाकी देखो इतना मस्त नज़ारा और यह हवादार बुर्ज अल अरब। बस एक्चुअली क्या यार, यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ 3:30 बजे का स्लॉट है मेरा सबमरीन के लिए। तो बस ये पास में ही एक ब्रिज पे बना हुआ था तो बस घूमने आ गया। बाकी देखो शानदार नज़ारा, एकदम शांत है, मस्त है ना। वैसे मैंने देखा है कि साउथ कोरिया में लोग नेचर को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। उन्होंने यहाँ कई चीज़ों को रिजर्व कर रखा है, जैसे ये ज्वालामुखी के ऊपर वाला हिस्सा जो है पूरा रिजर्व है, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो अच्छा है यार ये लोग इतना सोचते हैं, देख रहे हैं नेचर को। देख लिया ये हवादार बुर्ज अल अरब, बीच घंटे निकाल के बीच है लोग। ये अब चलो पानी वानी पी लेते हैं क्योंकि धूप बहुत है, पानी जहाज हो गया ख़त्म। बच्चे संभलते नहीं है, कुत्ते पाल करते हैं अगले लोग, पता नहीं क्या यार। बच्चे यहाँ वहाँ भटकते करते हैं, कुत्तों को लिया गोदी गोदी में घूमते हैं। हमारे बच्चों को पहनने कपड़े नहीं है, ये चड्डी पहने, कुत्ते को बच्चा चड्डी पहन गया। ये समरिंग का बुकिंग काउंटर,
ये है बुकिंग काउंटर यहाँ का, और यहाँ वेट कर सकते हैं। इतिहास दिया है तो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा आगे। बस लगा हुआ हूँ अपने लाइन में, बस ये यहाँ एक एक फ़ोटो खींच रहे हैं। जब आप वापसी में आएंगे तो वो फ़ोटो आपको ये लोग एज ए सर्टिफिकेट आपको गिफ्ट करेंगे। मतलब यहाँ लाइन कल्चर अच्छा है, हर चीज़ लाइन में, लोग अपना आके यहाँ लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो लाइन कल्चर है। और ये लाइन्स की एक्सपर्ट भी करते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सबमरीन के अंदर, पनडुब्बे के अंदर। यार एक बड़ा अजीब सा यहाँ फील होता है, कानों में एक प्रेशर आप आराम से फील कर सकते हैं कि यार कुछ कान बारी बारी हो चुके हैं। अभी और बाकी लोग आ रहे हैं, तो बस हम लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली और वेट कर रहे हैं कि सारे जितने भी इस पर्टिकुलर ट्रिप में लोग हैं वो आ जाएं, और इसके बाद ये शुरू करें अपना। तो बहुत कॉम्पैक्ट है एक्चुअली मैं बताऊँ ना आपको कि ये जो सबमरीन या पनडुब्बी है ना, ये स्पेशली ट्रेवलर्स के लिए ही बनाई गई है। मतलब ये टूर वाली सबमरीन ही है, ये जो अपन वो लड़ाकू सबमरीन या जो देखते हैं जो फोर्सेस के पास में होती हैं, एक्चुअली सबमरीन वो नहीं है, ना ही उस तरह की है। ये सबमरीन टोटली लग्जीरियस ट्रेवलिंग के लिए बनाई गई है, और कोई बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती नहीं। ये मैक्सिमम थोड़ा नीचे जाएगी, 20 फीट 25 फीट नीचे जाएगी, और वहाँ को आपको अंडर वाटर के जो सीन दिखा के वापस ले आएगी। एक्चुअली इसी का इतना ही काम है।
तो अब आप देख सकते हैं कि जो सीसीटीवी लगा हुआ है सबमरीन के ऊपर, उस वो फुटेज हमें यहाँ दिखाई जा रही है। तो ये बंदा है अभी यहाँ पे, और अभी ये सबमरीन धीरे धीरे पानी के अंदर आ रही है, देख सकते हैं ये। और ये बंदा पूरे रास्ते हमें अटेंड करता चलेगा। धीमे धीमे हम नीचे आ रहे हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है इसको लेके। तो बस अब धीमे धीमे पलटू भी नीचे आने लग गई।양보를 하면서 같이 관람해 주시길 바라겠습니다. 한바탕에 검은색 세로 줄무늬를 가진 물고기가 있는데요. 우리는 지금 이제 여러분은 수심 20m 구간에서 물고기들을 감상하실 수 있습니다. 원래 산간경면 인도양 그리고 홍해가 주 서식지지만 최근 온난화의 영향으로 제주 그리고 부산에서도 드물게 관찰되고 있다는데요. 자, 이 물고기가 무슨 물고기라고 했죠? 잘 들어가면서요. 이해합니다. 한입치기가 가깝을 거예요. 자, 자리범이라는 물고기입니다. 자리범. 자, 살아있을 때만 코르의 하얀색 반점이 보이고요. 죽어버리면 이 하얀색 반점은 모두 다 사라져버려요. 그리고 코르의 ये कोई पुराना अंदर शिप टूटा हुआ है, तो उसके अवशेष ये देखो कितना पुराना इसका स्क्रैप पड़ा है शिप का।우리 눈앞에 펼쳐진 다채로운 이게 바로 이 섬은 원래 색깔이랍니다. 사로수의 원래 색깔. 풍성한 연산호 군락지로 제주 바다가 주는 아름다운 선물입니다. 지금은 하루가 가진 고유의 색을 다 뽐내지 못하고 깃발을 뜻 보이지만 잠시 뒤 조명을 거치면 청천한 색으로 변합니다. Finally, 하마라 투어가 여기 끝. और वापस पनडुब्बी आ चुकी है पानी के ऊपर, और बस
वापस मुखपन जाने लग रहे हैं। ये गेट खोल दिया और बस धीमे धीमे एक एक करके हम लोग बाहर निकलेंगे। तो भाई कैसा लगा ये पनडुब्बी का टूर ज़रूर बताना, कमेंट्स करना, वीडियो शेयर करना।자, 우리 팀원이 올라오라고 말씀드리거든요. 자, 보호자분을 먼저 이동해서 Thank you.